हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इनके इंजीनियर्स। तो बहुत दिन बाद हम लोग नया वीडियो पे आए हैं। तो आज का वीडियो का मेन टॉपिक जो है वो होने वाला है आप लोगों के लिए सीपेट जी के बारे में एक इंफॉर्मेशन वीडियो। तो दोस्तों, सीपेट जी का जो नोटिफिकेशन है वो निकल चुका है, तो अब उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। आप लोग जो इंटरेस्टेड है सीपेट जी के लिए, जो अपना कैरियर इंजीनियरिंग के ऊपर स्टार्ट करना चाहते हैं, वो भी एक यूनिक ट्रेड के ऊपर, जैसे कि आप लोगों का हो गया प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, तो उसके लिए है आज का वीडियो। तो स्टे ट्यून्ड। तो जैसा कि अपन ने बोला कि सीपेट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो निकल चुका है, या फिर एप्लीकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करना शुरू हो गया है। तो हम लोग सबसे पहले आ गए हैं सीपेट के वेबसाइट पे। सीपेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद न्यूज़ एंड अपडेट्स का ऑप्शन में आप लोगों को जाना है पहले। तो आप जब जाएंगे तो सबसे पहला नोटिफिकेशन वो रहेगा, द वेब पोर्टल फॉर रजिस्टरिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर सीपेट एडमिशन टेस्ट 2023 फॉर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, पोस्ट डिप्लोमा एंड डिप्लोमा प्रोग्राम्स, जो पब्लिश हुआ है 24/2/2023 को। इसके नीचे आपको और भी सारे जो भी आपका सीपेट के रिलेटेड न्यूज़ है, अपडेट है, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन आज का वीडियो है सिर्फ डिप्लोमा प्रोग्रेस और पोस्ट डिप्लोमा प्रोग्राम और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम, इसका जो शेड्यूल निकला है जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन का है, इसके ऊपर। तो चलिए उस पर ही नज़र डालते हैं। तो मैं इधर पर क्लिक कर दूँगा, जो न्यू ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है उसके ऊपर। जैसा मैं क्लिक कर लिया और एक नया पेज ओपन हो गया। तो पेज ओपन होने के बाद इधर पे दिखाई दे रहा है एडमिशन टू डिप्लोमा लेवल प्रोग्राम सीपेट एडमिशन टेस्ट 2023। तो और एक बात आप लोगों को बोल देता हूँ, वीडियो के अंदर इंटरप्ट कर रहा हूँ, जो है कि इस जो वेबसाइट का लिंक है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा, और भी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट लिंक्स रहेंगे वो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया रहेगा। और सीपेट के रिलेटेड या फिर सीपेट का कैरियर रिलेटेड या फिर जॉब एप्लीकेशंस के रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए होगा आप लोगों को, सबसे बेस्ट प्लेस है इनके इंजीनियर। तो जाइए चैनल के अंदर वीडियो ऑप्शन पे जाइए और सारे वीडियोस को देख लीजिए, आपके लिए ही बनाया गया है वीडियो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू लिंक भी इधर पे दे दिया। फॉर एनी क्वेरी रिलेटेड टू सीपेट एडमिशन टेस्ट 2023, इधर पे हेल्प डेस्क का नंबर भी दे दिया, 3 नंबर दिया गया आपको, जिसमें भी बात करना है आप कॉल करके बात कर सकते हैं। इधर पे आपको ईमेल एड्रेस भी दिया गया है, जिसको भी कोई भी कन्फ्यूज़न है ईमेल में सॉर्ट आउट कर सकते हैं इस मेल एड्रेस पर मेल करके। ओके, एडवर्टाइजमेंट पर नज़र डालेंगे थोड़ा सा। कैंडिडेट्स आर स्ट्रिक्टली एडवर्टाइज टू रीड द इंफॉर्मेशन ब्रोशियर केयरफुली अवेलेबल इन द वेब पोर्टल बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने से पहले जो ब्रोशियर है या फिर कैटलॉग है उस पर थोड़ा सा नज़र डाल लीजिएगा। ओके, इधर पे बहुत कुछ लिखा हुआ है, ये सब देख लीजिएगा जो भी आपका सब्जेक्ट है। मैं एडवर्टाइजमेंट को ओपन करता हूँ। एडवर्टाइजमेंट कॉपी आ गया सामने, तो आप लोग देख सकते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सीपेट, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सीपेट एडमिशन टेस्ट 2023, डिप्लोमा इन प्लास्टिक्स मोल्ड टेक्नोलॉजी, 3 का कोर्स है, 10th स्टैंडर्ड के ऊपर कर सकते हैं, एंट्री क्वालिफिकेशन 10th स्टैंडर्ड है। डिप्लोमा इन प्लास्टिक्स टेक्नोलॉजी DPT, जिसका 3 का कोर्स है या फिर 3 का ड्यूरेशन है कोर्स का, ये भी 10th स्टैंडर्ड के बाद ही आप लोग कर सकते हैं। मतलब 10 के बाद जो लोग भी इंटरेस्टेड है करने के लिए, या फिर 10+2 भी कर सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन वो लोग अप्लाई कर लीजिए जल्दी से। ओके, इसके बाद है 3rd ऑप्शन, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्लास्टिक प्रोसेसिंग एंड टेस्टिंग PGDPPT, ये 2 का कोर्स है, 3 डिग्री इन साइंस के बोल्ड डिज़ाइन विथ कैड कैम, PDPMD विथ कैड कैम, इसका कोर्स ड्यूरेशन है 1.5 का। इसके लिए आपको डिप्लोमा इन मैकेनिकल प्लास्टिक्स पॉलीमर टूल एंड डाई मेकिंग प्रोडक्शन, मेट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, पेट्रोकेमिकल्स, इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और DPMD, DPT और इक्विवेलेंट। मतलब कि आप कोई सा भी डिग्री कर ले इंजीनियरिंग के ऊपर, उसके बाद आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल है। ओके, तो फिर आखिरी और इम्पॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर आप लोग थोड़ा सा नज़र डालिए, मत भूलिएगा ये बात को। नो एज बार, ओके, कोई भी एज रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एलिजिबिलिटी फॉर गवर्नमेंट स्कॉलरशिप
सेपरेट हॉस्टल एकोमोडेशन फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, मतलब गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए भी आप लोग एलिजिबल रहेंगे अगर आप सीपेट से कोई भी कोर्स करें। इसके बाद बॉयज़ और गर्ल्स के लिए एक पर्टिकुलर सेपरेट हॉस्टल का जुगाड़ भी है। ओके, अब इम्पॉर्टेंट डेट्स के ऊपर डालिए नज़र। डेट ऑफ ओपनिंग फॉर कैट ऑनलाइन एप्लीकेशन, कैट मतलब सीपेट एप्लीकेशन, सॉरी एडमिशन टेस्ट, ओके, जिसका सबमिशन डेट स्टार्ट होता है 24/2/2023 से। डेट ऑफ क्लोज फॉर कैट एप्लीकेशन सबमिशन 28/5/2023। डेट ऑफ कैट ऑल ओवर इंडिया, मतलब कि कैट जो एग्ज़ाम है कब कंडक्ट होगा, 11/6/2023 को। कमेंसमेंट ऑफ कोर्स, मतलब कोर्स कब स्टार्ट होगा, यह है 1st week of August 2023। थैंक यू गाइज वीडियो को देखने के लिए, और आप लोगों में से जो कोई भी अप्लाई करना चाहते हैं वो हरी अप और अप्लाई करिए। कोई भी दिक्कत रहा, डाउट रहा, तो फिर मेरे को आप मैसेज कर सकते हैं। मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उधर पे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हैं, या फिर आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन आपका क्वेश्चन का आंसर तभी दिया जाएगा जब आपका चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ रहेगा। हमारे चैनल का मोस्ट ऑफ व्यूअर्स वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। जल्दी से घंटा बजाइए और क्वेश्चन करिए। थैंक यू।